हमारे चैनल रिसेंजिंग में दोस्तों दोस्तों ये मैंने आज बोर्ड बैठाया हुआ हूँ, पूरा लाइन चालू किया, पूरे घर का, पूरे हाउस का, ठीक है दोस्तों, सारा बोर्ड वोर्ड बैठा दिया और सारा चीज़ बता दिया। तो बता दूँ मैं आपको, इस कितना बेहतरीन बोर्ड लग रहा है, कितना शानदार बोर्ड लग रहा है, कौन से कंपनी किस तरीके का है, बहुत अच्छा ब्रांड कंपनी का है दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छे ब्रांड का है ये, मतलब इसे देख लीजिए, ठीक है, वैसे एंकर का ही है। तो ऐसे भी मतलब आप बोर्ड लगवाते हैं बहुत अच्छा शानदार लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, और ये हैवी में भी है दोस्तों, एक तरह से आप इसको स्मार्ट भी बोल सकते हैं कि स्मार्ट है, क्योंकि ये अंडर से प्रोटेक्ट होता है, इसमें कोई पेज वगैरह नहीं लगता है। तो स्क्रू वाला पहले आता था, स्क्रू वाला, अब स्क्रू वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। और मैं बोर्ड आपको, और ये बोर्ड है दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको मॉड्यूलर बताते हुए चलूंगा, कितने मॉड्यूलर का है, आपको मॉड्यूलर नहीं पता था, मॉड्यूलर गिरवाते हुए चलता हूँ। देखिए दोस्तों, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 12 मॉड्यूलर का वो स्विच प्लेट हो गया, ठीक है दोस्तों। सारे स्विच प्लेटों का है ना, मैं मॉड्यूलर आपको लोगों को गिनवाऊंगा और समझाऊंगा कि किसे कहते हैं मॉड्यूलर, किसे कहते हैं मॉड्यूलर, किस टाइप का होता है मॉड्यूलर, का मतलब क्या होता है। मॉड्यूलर का मतलब ये होता है दोस्तों कि एक स्विच का जो साइज है, ठीक है दोस्तों, तो एक मॉड्यूलर हो गया। अगर ये दो स्विच का साइज ले आए, ऐसे दो स्विच का साइज में 100 सॉकेट बचा हुआ है, तो दो मॉड्यूलर का हो गया, ठीक है, दो, दो, 4 और 2, 6 मॉड्यूलर हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से मॉड्यूलर को गिनती किया, वहाँ देखिए आपको दिख जाएगा वो 4 मॉड्यूलर का, 2 और 2, 4, 2 सॉकेट लगाओ तो 4 मॉड्यूलर का वो हो गया दोस्तों, ठीक है। वैसे वहाँ देखिए 1 सॉकेट वाला है दोस्तों, ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ आपको, 1 सॉकेट वाला है दोस्तों, तो ये 2 मॉड्यूलर का हो गया। अब मैं आपको और बोर्ड दिखाता हूँ, तो और मैं आपको बोर्ड दिखाते हुए दोस्तों यहाँ आया हूँ, देखिए 12 मॉड्यूलर का, 2 फैन का हो गया, फैन रेगुलेटर, और 2 मॉड्यूलर में, ठीक है दोस्तों, ये 1 मॉड्यूलर का, 1 मॉड्यूलर का है, और 2, 4 हो गया, और 5, 6 और 2, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से मॉड्यूलर गिना जाता है, इस तरीके से प्लेट गिना जाता है, इस तरीके का कौन सा बोर्ड का कौन सा मॉड्यूलर प्लेट लगेगा, इस तरीके से गिना जाता है, ठीक है। 2, 2, 4 और 2, 6 और 2, 8, 8 मॉड्यूलर प्लेट का हॉरिजेंटल का है, ठीक है दोस्तों, एक स्क्वायर में आता है, एक हॉरिजेंटल में, मैं आपको स्क्वायर भी दिखा के दिखाते हुए चलूंगा, ठीक है दोस्तों, ये हॉरिजेंटल में है, ये देख लीजिए दोस्तों, जो लंबा है वो हॉरिजेंटल बोला जाता है, जो खड़ा होता है, चौकोर होता है, उसको स्क्वायर बोला जाता है, ये है 1 मॉड्यूलर का, ठीक है दोस्तों, जो एक ब्लैंकेट लगा हुआ है केबल के लिए दिया गया हुआ है, और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये है 8 स्क्वायर में, जैसे 8 हॉरिजेंटल में आपको बताया था, ये 8 स्क्वायर में देखिए, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 हो गया। मैं आपको इसका पूरा क्लियर करके दिखाता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। सेम इसमें भी लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है, देखिए इसमें 2 मतलब इसमें 2 वे का भी लगा हुआ है दो स्विच, 1 2, ये 2 वे का स्विच है, निशान लगा हुआ है, 2 वे का निशान है, ठीक है दोस्तों। नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा धुंधला हो रहा था, अब देखिए, अब क्लियर आ गया होगा दोस्तों, ये है पंखे का 2 और 2, 4, ये 2 वे है दोस्तों, ठीक है, निशान लगा हुआ 2 वे का है, ये हो गया आपका नॉर्मल स्विच, ये नॉर्मल स्विच है, सॉकेट हो गया 6 एम्पेयर का, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको दिखा दूँ, तो फाइनली दोस्तों मैं अब आपको जो दिखाने वाला उसको देख करके आप समझ जाएंगे, सारे मॉड्यूलर गिन पाएंगे किस तरीके से कर पाए, ठीक है दोस्तों। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसमें टोटल लगा हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को इसमें गिना पाऊंगा और समझा पाऊंगा। 8 स्क्वायर में इसके बारे में आप समझा देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 स्क्वायर में हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।